राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम टोरस वृष राशि वालों की रीडिंग करने जा रहे हैं कि वृष राशि वालों के साथ इस मंथ में क्या होने जा रहा है, टोरस वालों के साथ इस मंथ में क्या होने वाला है और क्या करने जा रहे हैं वो। मैं आभारी हूं आप सभी के प्रेम की, आपने मुझे इतना सराहा, इतना मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करें। उससे पहले लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होती है और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं आपको सही गाइडेंस, सही सॉल्यूशंस बता पाती हूं, ठीक है। तो इसलिए रीडिंग स्टार्ट हो उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके अराउंड कोई टोरस है जोडियक साइन के अकॉर्डिंग, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके टोरस, प्लीज यूनिवर्स बताइए कि टोरस इस जुलाई मंथ में क्या करने जा रहे हैं, क्या होने वाला है टोरस वालों के साथ, वृष राशि वालों के साथ। टोरस होने वाला है इस मंथ में, टोरस क्या करने जा रहे हैं इस मंथ में। टोरस, अगर आपको किसी तरह की कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम है, किसी भी चीज का समाधान चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। 8802468028 पर मुझसे एक सेशन बुक कर सकते हैं मेरे साथ। किसी भी तरह की मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्याएं हैं बिजनेस लाइफ में, तो आप मुझसे कंसल्ट ले सकते हैं, सॉल्यूशन जान सकते हैं और जान सकते हैं अपनी लाइफ पाथ के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि टोरस क्या करने वाले हैं इस मंथ के अंदर। यस टोरस, तो यहां पर मैं देख रही हूं टोरस वृष राशि वाले लोग, शुरुआती तौर पर जुलाई मंथ आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। मतलब बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस, बहुत सारी चाहत, बहुत सारी इच्छाओं के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो इस मंथ में। स्टार्टिंग मंथ में ही बहुत तेजी से आप आगे बढ़ने वाले हो उन चीजों की तरफ जो चीजें आपके माइंड के अंदर चल रही हैं, जो चीजें आपने सोच रखी है, या फिर कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं बहुत सारे अपने पारिवारिक, मतलब अपने परिवार के लिए बहुत सारे लोग अपने परिवार में बहुत सारी वेल्थ आता हुआ देखेंगे, बहुत सारी मतलब अपने परिवार के लिए आगे बढ़ चढ़कर कुछ करना चाह रहे हैं टोरस वृष राशि वाले। तो ये बहुत ही जोश से ये जुलाई मंथ के अंदर स्टार्टिंग मंथ में बहुत ही जोश से आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजों के साथ बहुत सारा दिमाग दौड़ेगा, बहुत चीजें दिमाग में आएंगी, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं जुलाई मंथ में। 1 से 10 तारीख के बीच में ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है कि आप एक भागम भाग में रह सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर जो क्लैरिटी आ रही है कुछ चीजों को लेकर, आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत सारे लोगों के साइड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, जिन चीजों को आपने सोचा हुआ वो सारी चीजें आ सकती है। यहां पर मैं देख रही हूं अगर आपने किसी जॉब से रिलेटेड कुछ अप्लाई किया हुआ है, कहीं पर अप्लाई किया है, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज का, न्यू जॉब का या न्यू सर्विस का, किसी भी चीज का आपने अगर इंतजार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आती हुई मैं देख रही हूं। मिड मंथ में, जुलाई मिड मंथ में 11 से लेकर 20 के बीच में कई चीजों को लेकर आप परेशान रह सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के साथ ऐसी उनकी हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, तो आपको अवेयरनेस में रहना है, ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से अपनी सेहत पर का ध्यान रखना है। यहां पर मैं देख रही हूं बहुत सारी बेचैनी, बहुत सारी रातें, मतलब बेचैनी में जाना, कहीं ना कहीं सोच विचार चल रहा है,
तो यहाँ पर मिड मंथ के अंदर आपको कुछ बेचैनी, कुछ चीजें सता सकती हैं, आपका मन परेशान हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे चीजें माइंड के अंदर आपके चलती रहेंगी लोगों के प्रति, कि लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरीके से होगा, या फिर काम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, क्या कर सकते हैं, तो कुछ आइडियाज पे भी आप बहुत सारा दिमाग लगाने वाले हो। लेकिन इतना दिमाग आपको नहीं लगाना चाहिए कि आप अपनी सेहत खराब कर दें। तो आपको अगर रातों में नींद नहीं आ रही है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सही हैबिट्स के चलते हुए, सही फूड हैबिट को लेकर आप अपनी अवेयरनेस में रहें अपनी सेहत के प्रति। बहुत सारे लोगों को मैं कुछ समस्याओं से घिरा हुआ भी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं पैसे की तंगी में देख रही हूँ। पैसे को लेकर बहुत सारी बेचैनी बन सकती है, पैसे को लेकर कहीं ना कहीं पैसा एक समस्या बन सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि किस तरीके से अपने पैसे पर काम किया जाए, किस तरीके से आप उस स्टेटस को पा सकें, किस तरीके से आप उस जगह पर जा सकें जो आपने सोच रखी है, कहीं ना कहीं अपने परिवार के प्रति आपकी बहुत रियल सोच है, अपने परिवार के प्रति आप बहुत कुछ करना चाहते हो, तो यहाँ पर पैसे की समस्या है। लेकिन आप किस तरीके से पैसा कमा सको, किस तरीके से क्या आइडियाज पे काम कर सको, किस तरीके से अपना पैसा बचा सको, तो कुछ ऐसा कुछ आपके माइंड के अंदर इस जुलाई मिड मंथ में आ सकता है। और पैसे से रिलेटेड आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई भी देख रही हूँ। कोई अचानक से आपकी साइड कुछ ऐसी, कोई सडन आपकी साइड कोई ऐसा सिचुएशन भी बन सकती है, या फिर कोई ऐसा मैसेज आपको मिल सकता है जो आपको परेशान कर देगा, आपको टेंशन दे देगा, या कहीं ना कहीं आप उस चीज से परेशान होने वाले हो। यहाँ जुलाई एंड ऑफ मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप काफी मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हो। आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें, जो क्लैरिटी भी आएगी, बहुत सारे आइडियाज भी आएंगे, बहुत चीजें आपके माइंड के अंदर चलेंगी पैसे को लेकर, और या फिर किसी तरह का कोई ऐसा संदेश जहां पर आपको आगे बढ़ा जा सकता है, आप कहीं पर जा सकते हैं, अपनी एक टीम वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को टीम वर्क करता हुआ देख रही हूं मैं, बहुत अपनी मेहनत करने के बावजूद भी यहां पर आपको ऐसा फील हो सकता है कि कहीं ना आपकी वो जो चाहते थी, वो जो इच्छाएं थी, वो अभी भी उस तरीके से पूरी नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे। यहां पर मैं देख रही हूं कि आप जिन लोगों के साथ, अगर आप किसी दूसरों के साथ, अपनी फैमिली हो या फिर अपने बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल या फिर लोगों के साथ, अगर आप अपने काम के प्रति कुछ बात करते हैं, काम के प्रति कुछ शो ऑफ करते हैं, या अपने पैसे को लेकर कुछ शो ऑफ करते हैं, तो ये चीजें आपके लिए बहुत गलत हैं। क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं कि बहुत सारी नजरें, जिन लोगों को आप अपना मानते हो, जिन लोगों के साथ अपने काम के लिए आप बहुत सारी डिस्कशन करते हो, कहीं ना कहीं वो आपसे जेलसी करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पैसे को देखकर मतलब बहुत सारी बातें बनाना, बहुत सारी ऐसी चीजें। आप जिन लोगों पर फेथ करते हो, जिन लोगों पर विश्वास करते हो, कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं आपको, आपके पैसे को लेकर, आपके बारे में, ठीक है। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि बहुत सारी मेहनत भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, कहीं ना कहीं अपनी मेहनत का मतलब लोग उनके लिए पीठ पीछे बातें भी कर रहे हैं। कुछ बातें नेगेटिव भी हो सकती हैं और कुछ बातें इस बात पर भी हो सकती है कि आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ कर लिया, जैसे कि सराहना, लेकिन हैरान होना। लेकिन ये वो लोग हैं जो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपसे जेलस है। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि बहुत आपको अवेयरनेस में रहना है ऐसे लोगों के प्रति, अपने किसी भी तरीके की शो ऑफ नहीं करनी है, क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने बड़े तहे दिल से, आपने आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं इस मंथ के अंदर, स्टार्टिंग मंथ में आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं। आपकी लाइफ अपने तरीके से, जिस तरीके से आपने सोची थी अपनी फैमिली लाइफ या अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीजें सोची थी, तो वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मिड मंथ के अंदर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, मतलब कुछ लोग परेशान हो सकते हैं कुछ कर्जे को लेकर, पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं आपको ऐसा मैसेज आ सकता है। या फिर यहां पर मैं देख रही हूं, अगर आपने किसी से फाइनेंस ले रखा है, आपने किसी से पैसा ले रखा है, आपके साइड कुछ उधार है, या आपसे कोई उधार मांग सकता है, यहां पर मैं देख रही हूं आपसे कोई उधार मांग सकता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं किसी की पैसों से रिलेटेड मदद करनी पड़ सकती है,
लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो मिड मंथ में मैं आपको देखूंगी कि आपका पैसा कहीं ना कहीं वेस्टेज में जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपने कर्जा लिया हुआ है तब भी आप बहुत सारा परेशान हो सकते हो। आपको इससे रिलेटेड कुछ लोगों को एक जैसे सम्मन टाइप कुछ आ सकता है, पुलिस का कोई रोल हो सकता है, यहां पर कुछ ऐसी चीजें आपके साथ अचानक से बन सकती हैं जो आपने नहीं सोची हैं, पुलिस केस हो सकता है आप पर। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूं लॉस, पैसे का लॉस भी दिखाता है, क्योंकि यहां पर मैं देख रही हूं अगर आपने पैसा किसी को दिया हुआ है या फिर आपका पैसा किसी की नजरों में आया हुआ है तो आपको कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जो आपको परेशान कर देगा। आपको यहां पर कोई आपसे पैसा मांगने आ सकता है या फिर आपने कोई फाइनेंस ले रखा है, किसी से उधार ले रखा है, तो आपकी तरफ बढ़ते हुए लोग जो आपको मतलब आपको डर लग सकता है जुलाई मिड मंथ में कि वो लोग आप मतलब जग हसाई का डर या कहीं ना कहीं आप छुपते छपाते ऐसे इंसानों से मुझे नजर आ रहे हैं मिड मंथ में, मिड जुलाई मंथ के आप के कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जो चीजें आपने नहीं सोची वो आपके साथ हो रही हैं। यहां पर बहुत सारा दर्द, बहुत सारी परेशानियां मैं जुलाई एंड ऑफ मंथ में मैं देख रही हूं, जिस कारण से आप अपने आप को पूरी तरह से मतलब आपकी ना पावर्टी का कार्ड आना, तो कहीं ना कहीं आपने जितनी हिम्मत जुटाई थी अपनी लाइफ में, जितनी मेहनत की, जितना जो भी किया, वहां पर आप कहीं ना हर चीज को लुटता हुआ नजर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे माइनस में जाना, अपनी लाइफ में आपने जितना किया उससे इस वक्त पर ना कहीं आप अपने आप को बेचारा सा महसूस कर रहे हो। आपका पैसा माइनस में जा रहा है, आपका पैसा जितनी आपने मेहनत की वो किसी काम नहीं आ रही है, या कहीं ना कहीं आपकी ना हर चीज मतलब आपका पैसा खत्म होते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये सिचुएशन बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने अपने पैसे को समझदारी से, अवेयरनेस से नहीं मतलब यूज नहीं किया। तो आपको अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है या फिर अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो दोनों ही सूरतों में आपको पूरी अवेयरनेस रखनी होगी ऐसे लोगों के प्रति जिनसे आपने कर्जा ले रखा है या फिर आपने किसी को दे रखा है। तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है पैसों से रिलेटेड, ऐसे लोग आपको ना तो मतलब छोड़ने वाले हैं, मतलब ये ना आपको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं जिनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारा लॉस झेल सकते हो जुलाई मंथ के एंड में। तो अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आपको मैं यही आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप ना इस वक्त पर बिल्कुल संभल जाइए, अपने पैसे को संभालिए, कंजूसी से यूज कीजिए। अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो तब भी एक अवेयरनेस के साथ सामने वाले इंसान को तरीके से उस चीजों से निकलने की कोशिश कीजिए, मिल बांट कर सलाह करके उनसे किसी तरीके की आप उस पे इस सिचुएशन पे बात कीजिए, किसी भी तरीके से आप उन चीजों को हैंडल कीजिए। लेकिन अगर आपने अवेयरनेस नहीं दिखाई और ऐसे ही लोगों के सामने अपनी शो ऑफ किया और अपना पैसा भी उनको दिया और फिर भी उसके बावजूद भी आपको मतलब ये नुकसान झेलना पड़ सकता है, बहुत सारे लोगों की नजरें हैं आप पर लगातार बनी हुई हैं जिन कारण से मतलब यहां पर कोई ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं चीजें मैनिफेस्टेशन उसकी पूरी भी होती है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहीं ना परेशानियों में जाता हुआ नजर आ रहा है। पावर्टी का कार्ड, टावर का कार्ड ये बताता है कि अगर आप अपना पैसा नहीं संभालोगे, अगर आप अपनी मेहनत को पूरी तरह से मतलब अपनी मेहनत से काम नहीं करोगे, अगर आप उन चीजों पर काम नहीं करते और कहीं ना कहीं परेशानियों को ज्यादा, नेगेटिविटी को ज्यादा सोचते हो, समझते हो, मतलब आपको ना नेगेटिविटी में नहीं जाना, ना ही इतना सोच विचार करना है, आपको करनी है सिर्फ मेहनत करनी है और बिल्कुल भी अपने बिजनेस के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने पैसे के बारे में बिल्कुल भी किसी और से मन की बात शेयर नहीं करनी, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना, बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना कि आप कितना क्या कर रहे हो, किस हिसाब से कर रहे हो। यहां पर वो लोग आपको आपका मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ लोग आपका मिसयूज कर सकते हैं जो आपको दर्द में भी डाल सकते हैं और परेशानियों में भी डाल सकते हैं। आपको इस मंथ में किसी से उधार नहीं लेना है, कर्जा नहीं लेना है, भले ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि आप इन चीजों में मत जाइए, क्योंकि आने वाला वक्त आपको रियलाइज करवा सकता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है,
बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो आपको संभालना है, खुद को संभालना है, खुद के पैसे को संभालना है। अगर आपको कहीं पे मतलब आपका जो पैसा है ना, आप वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो बेवजह का पैसा यूज करना, बेवजह का पैसा बहाना, बेवजह का मतलब खर्चा करना। तो ऐसे लोगों को अपने खर्चों पर नियंत्रण करना है पूरी तरह से। अगर आपने ये चीजें नहीं की तो पॉवर्टी का कार्ड आपके लिए है, जो दिखाता है कि आप पूरी तरह से अपने आप को माइनस में पाएंगे, भले ही वो पैसा हो, भले ही वो फीलिंग्स हो। तो आपको रिलैक्स हो कि कुछ भी नहीं सोचना, किसी भी ऐसी चीज में नहीं रहना है कि मतलब मैंने भगवान पे छोड़ दिया और अब मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेहनत करने से ही मेहनत का फल मिलता है, ऐसा सिर्फ सोच देने से। भगवान कहते हैं कि आप मेरे पर सरेंडर करके मुझ पर सारी चीजें छोड़ तो रहे हो, लेकिन खुद कितनी क्या, किस जगह पर किस तरीके से मेहनत कर रहे हो, आप उनको भी देखो। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं आपके पैसे का हर्जा होता हुआ देख रही हूँ, आपको ज्यादा देख रही हूँ। मतलब आप परेशानियों में पड़ सकते हो, किसी की नजर आपको लग सकती है पूरी तरह से, ठीक है। जिन लोगों पर आप बहुत ज्यादा फेथ करते हो और आपको ऐसा लगता है कि दूसरों को उतना ही बताइए जितना बाद में आप झेल सकें अपनी सिचुएशन को। मतलब दूसरों को आप बताते तो हो अपनी हर चीज, लेकिन कहीं ना कहीं इस कारण से आपको बहुत सारी नजर लगती हुई मैं देख रही हूँ। तो आपको बिल्कुल भी अपनी जो भी आप काम करते हैं, जिस तरीके से भी जो भी आपकी लाइफ के अंदर, तो वो आपको अपने तक ही रखना चाहिए, अपने अंदर रखना चाहिए। जिन लोगों को आप बताते हो हर चीज, वो लोग आपके मतलब अंदरूनी तौर पर वो कहीं ना कहीं जेलस करते हैं। कुछ लोग आपके अपने होने के बावजूद भी वो जेलस उस तरीके की नहीं भी करते, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं वो सराहते भी हैं आपको, लेकिन फिर भी कई बार होता है ना, हम किसी चीज को हैरान होके देखते हैं कि हाँ ये कैसे कर लिया इसने, हाँ ये इसके साथ कैसे है, तो वो ना नेचुरली नजर लग जाती है। तो ये ऐसी कुछ चीजें आपकी जुलाई मंथ के एंड में बन रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपके साथ ऐसी चीजें बन रही हैं तो साथ में आ रहा है टावर का कार्ड। आप फीलिंग लेस भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पॉवर्टी का कार्ड, आपको बहुत सारा लॉस झेलना पड़ सकता है अपने बिजनेस में, अपने पैसे से प्रति, अपने फैमिली लाइफ में। यहाँ पर फीलिंग्स का कार्ड भी आ रहा है, जो बिल्कुल भी आपकी फीलिंग्स को पूरी तरह से तहस नहस करने वाला है। तो ये खुशियों का हर्जाना, तो कहीं ना कहीं खुशियों का हर्जाना भरना पड़ सकता है आपको। आपकी खुशियों के प्रति आपको नुकसान सहना पड़ सकता है। इसलिए यूनिवर्स का आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अवेयरनेस में चलना है, अपने पैसे को संभाल के रखना है। जिस पैसे को आपने मेहनत से कमाया है, उस पैसे को अपने तक ही रखना है, शो ऑफ नहीं करना, दूसरों को नहीं बताना, या कहीं अपना अगर आप काम भी कर रहे हो तो मिलके काम करना है अपने टीम वर्क से। मतलब आप अपने लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप काम करते हो, अगर आपकी टीम वर्क है, आप टीम वर्क कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको अवेयरनेस रखनी है। कुछ ऐसे लोग आपके साथ गद्दारी कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर अंदर ही अंदर आपके लिए कुछ गलत भावनाएं रख सकते हैं, जिस कारण से, उन्हीं लोगों के कारण से आप लॉस में जा सकते हो। कुछ ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, आपके साथ आपके काम में हाथ बटाते हैं, यहाँ पर कुछ पार्टनर्स भी मैं देख रही हूँ। अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर है या आपके आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप लाइफ पार्टनर के प्रति ये चीजें फील कर रहे हो, तो यहाँ पर फीलिंग लेस होते हुए मैं देख रही हूँ। आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि यहाँ पर मैं यहाँ थर्ड पार्टी को भी देख रही हूँ। अगर आप ये रीडिंग लव लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर बिल्कुल फीलिंग लेस होने जा रहा है टॉरस वृषभ राशि वाले। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है, जिस कारण से कुछ स्पेल्स भी बने हुए हैं। तो स्पेल्स भी बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत सारी फीलिंग लेस रहने वाले हो आप, फीलिंग लेस। तो आपको फीलिंग लेस नहीं होना है अपने पार्टनर के प्रति, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो वो आपको नुकसान ही देने वाला है आने वाले वक्त में, ठीक है। तो आप एक प्योर सोल हो, प्योरिटी से आगे बढ़ने वाले हो, तो आपको अपने प्यार में, अपने बिजनेस में, अपने पैसे में भी प्योरिटी रखनी होगी। और जिस तरीके के शो ऑफ में आप जाते हो, वो शो ऑफ आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल ला सकता है, परेशानियां खड़ी कर सकता है। हालांकि ऐसी कोई मेजर परेशानी मैं नहीं देख रही हूँ, लेकिन एंड ऑफ द मंथ में मैं बहुत मेजर परेशानियां आपकी लाइफ में आती हुई देख रही हूँ, जो पैसे से रिलेटेड बनी हुई है बहुत ज्यादा।
यहाँ पर नजर दोष बाधा बनी हुई है, आपको नजर उतारते रहना, अपने बिजनेस में अपनी जॉब की नजर उतारनी है, अपनी नजर उतारनी है और अपनी हर चीज को अपने बंद दिल के अंदर जमा करके रखना है, बिल्कुल भी ओपन नहीं करना है, दूसरों को अपने मन की बात नहीं बतानी है, दूसरों को अपने बिजनेस की बात नहीं बतानी है, दूसरों के साथ अपने मन की कोई भी बात ऐसी शेयर नहीं करनी है, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, किसी भी चीज से, क्योंकि ये कारण बन सकता है आपके दिल टूटने का, आपको परेशानी होने का, आपका बहुत हर्जाना होने का। बिल्कुल भी किसी कर्जे को लिया हुआ है तो परेशानी में नहीं जाना है और किसी तरीके से सलाह मशवरा करके उस चीज उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो आपको अपना ध्यान रखना है, सही रहना है, आपको अपनी अवेयरनेस में रहना है, अपने अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी फूड हैबिट पे ध्यान देना है, गलत सलत नहीं करना, अपनी सेहत पर ध्यान देना है, कोई आपको चीट ना कर सके, आपको पूरी पूरी तरह से अवेयरनेस में रहना है। किसी तरीके के कोई दस्तावेज हैं, किसी तरीके का कोई आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी भी ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर आपको सिग्नेचर करने हैं, तो आपको अपने सिग्नेचर सोच समझकर हर चीज को पढ़ते हुए, मतलब ध्यान से अवेयरनेस में रहते हुए ऐसे सिग्नेचर करने हैं, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह से जो फलित हो रही हैं वो फलित ही रहें। कोई आपको प्रॉपर्टी, कोई आपकी प्रॉपर्टी को हथिया सकता है, कोई आपको, मतलब यहां पर कोई धोखे की बहुत बड़ी बात चल रही है, कोई धोखा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो आप अवेयरनेस में रहेंगे तो इन चीजों से बचते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी इन चीजों में नहीं पढ़ना है जो बंद आंखों से हो, अपनी आंखों से पट्टी हटाकर हर काम को करना है, क्योंकि यहां पर आपके साथ हो रहा है एक बहुत बड़ा धोखा, जिस कारण से आप अपनी प्रॉपर्टीज को भी खोता हुआ देखेंगे, कहीं ना कहीं बहुत सारा लॉस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारी अगर आपकी कंपनीज हैं या फिर भाई बहुत ही ऐसे काम आपके साथ हो सकते हैं जहां पर आपको लगेगा कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई। तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम ध्यान से करने हैं, अवेयरनेस से करने हैं, किसी भी तरीके के दस्तावेज पर साइन ध्यान से करने हैं, अवेयरनेस में करने हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, क्योंकि पिछले 10 दिन आप नोट कर सकते हैं कैसे निकले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके साथ क्या होने वाला है इसके लिए आपको गाइडेंस मिल चुकी है। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी और आप अवेयरनेस में रहेंगे। अभी ये रीडिंग यहीं पर समाप्त करती हूँ। टॉरस वृषभ राशि वालों, थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी आप अवेयरनेस से अवगत करवा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। थैंक यू सो मच, राधे राधे। चाहे तो आप मुझे सुपर चैट, सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं।